आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है कि अ वेव इज रिप्रेजेंटेड एज देखिए E to 10 टू द पावर 8 6 sin 1250t sin omega ct ठीक है देन द मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स इज देखिए हमें एक मॉड्यूलेटेड uh, वेव का इक्वेशन दिया और हमें पूछा है कि उसका मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स क्या है तो हम अगर जनरली लिखें कि एक मॉड्यूलेटिंग मॉड्यूलेटेड वेव का इक्वेशन क्या होता है देखिए वो होता है सी एम टी ठीक है मॉड्यूलेटेड वेव को सी एम टी से एज अ फंक्शन ऑफ टी हम निखारे हैं तो वो होता है ए सी प्लस ए एम साइन ओमेगा एम टी ठीक है इन टू साइन ओमेगा सी अब देखिए यहाँ जो सी एम टी होता है ये बताता है कि हमें मॉड्यूले मॉड्यूलेटेड वेव का सिग्नल है uh, जो टाइम के साथ वेरी कर रहा है इधर देखिए ए सी जो है वो कैरियर फ्रीकवेंसी का एम्पलीट्यूड होता है ए एम जो है अपना मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स होता है ठीक है मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स जो है वो होता है और साइन ओमेगा एम जो होता है ये फ्रीकुंसी ऑफ द मॉड्यूलेटेड वेव जो होता है उसके हिसाब से वेरी हो रहा है तो ओमेगा एम जो है फ्रीकुंसी ऑफ द मॉड्यूलेटेड वेव होता है टू पाई एफ एंगुलर फ्रिक्वेंसी होता है ये और ये होता है जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी जिसके अकॉर्डिंग जो है अपना जो मॉड्युलेटेड वेव वेरी करता है तो अगर इसके अकॉर्डिंग कंपेयर करें हम तो ए एम की वैल्यू चाहिए हमें तो कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद इक्वेशन ए एम की वैल्यू क्या हो गई हमें सीधा सीधा दिख रहा है सिक्स है तो अपना ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा क्लास एक्स से ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल था दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज डाउनलोड करें डाउट नट या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर